तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इज गोन और ही हैज़ हैज़ कब बोलते हैं जब किसी का हम एक्शन बता रहे हैं किसी के बारे में हम किसी की एक्टिविटी बता रहे हैं ही हैज़ गोन टू द मार्केट ही हैज़ टू द मार्केट मतलब ये हुआ कि वह मार्केट गया है मतलब हम एक एक्शन एक्टिविटी बता रहे हैं लेकिन अगर आपने कह दिया गॉन तो इसका मतलब ये हो वह वहां पे नहीं है मतलब अब नहीं है यहाँ पे यहाँ से गायब है मतलब यहाँ से चला गया है अब कहा गया है ये एक एक्टिविटी आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज टू द मार्केट ये नहीं बोल सकते ही इज गोन टू द मार्केट हाँ ये बोल सकते हैं आप कि ही हैज आपकेट वह मार्केट गया है तो यहाँ पे एक एक्शन एक्टिविटी को बताते हैं और ही इज गोन मतलब नहीं है जैसे आपने कहा कि वेन आई केम बैक माई वॉच वॉज गोन जब मैं वापस आया तो मेरी घड़ी गायब थी मतलब वहां पर नहीं थी आपने कहा माई बुक इज गॉन माई बुक इज गॉन मेरी किताब नहीं है When I came back, the coffee was all gone. जब मैं वापस आया तो सारी कॉफी खत्म थी मतलब कॉफी किसी ने पी लिया हो खत्म कर दिया हो तो उसके लिए मैंने यूज कराया इज गॉन द कॉफी वॉज गोन कॉफी खत्म थी मतलब नहीं थी तो क्या इस तरह से आप इज गोन और हैज गोन को यूज कर सकते हैं होप आपके लिए फुल होगा कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग